हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी एफ ट्राइंगल ए बी सी। एक दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है और उसमें डी ई एफ जो है वो ए बी बी सी और ए सी का मिड पॉइंट है। मतलब डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है और एफ ए सी का मिड पॉइंट है। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया थ्योरम यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ नहीं है, तो फर्स्ट हम लोग दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे और सिमिलर प्रूव करने के बाद एरिया थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, और इसमें मिड पॉइंट दिया हुआ है जो डी एफ ई मिड पॉइंट है। तो सिंस यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन। सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, देयरफोर क्या हो जाएगा? देयरफोर डी एफ पैरेलल बी सी एंड डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इस लाइन का मिड पॉइंट है और एफ इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो जो लाइन बनेगा डी एफ वो बी सी के पैरेलल होगा और जो डी एफ होगा वो बी सी के हाफ भी होगा। क्यों? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्लास 9 में दिया हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो डी एफ बी सी के पैरेलल हो गया। जब डी एफ बी सी के पैरेलल होगा तो डी एफ बी के भी पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू डी। क्यों? सॉरी, डी एफ इज पैरेलल टू बी। ठीक है, डी एफ बी के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस साइड से देखें तो एफ इस लाइन का मिड पॉइंट है, ई इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो जो ई एफ है वो भी ए बी के पैरेलल हो जाएगा और फिर ई एफ जो है वो बी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग लिख लेते हैं, सिमिलरली ई एफ पैरेलल बी डी। ठीक है, तो ई एफ पैरेलल हमने बी डी दिखा दिया और डी एफ पैरेलल बी दिखा दिए, तो देयरफॉर बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। इसके बाद यहां लिखते हैं, देयरफॉर बी ई एफ डी, बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। बी ई एफ डी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो बी ई एफ डी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एंगल बड़े इस पैरेललोग्राम का, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। रीजन दे देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने बी ई एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली ई सी एफ डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ई सी एफ डी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो अब जब ई सी एफ डी भी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, तो इस पैरेललोग्राम का जो एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। इसका पूरा नाम क्या हो गया? ई डी एफ। ठीक है, ये हो गया। इसको नाम दे देते हैं वन नंबर, इसको नाम दे देते हैं टू नंबर, इतना काफ़ी है। तो अब हम देखते हैं पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल जो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, नाउ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे नाम ये ए बी सी नहीं होगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया का, लेकिन नाम जो लिखा हुआ है डी ई एफ, सिमिलर करते वक्त क्या होगा?
एरिया फाइंड करते वक्त हम नेम को कैसे भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम सिमिलर प्रूफ करके दिखा रहे हैं उस वक्त लेटर का जो ऑर्डरिंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं तो डी ई एफ लिख रहे हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा सी ए बी, ठीक है, ए सी बी ए बी सी नहीं होगा। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल, क्योंकि जो पहला लेटर हम क्या लिख रहे हैं डी, छोटे वाले ट्राइंगल का हम नाम जो लिख रहे हैं उसमें पहला लेटर डी आ रहा है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सी है, तो पहला लेटर आ जाएगा सी ए बी, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल सी ए बी, दोनों ट्राइंगल में एंगल ये वाला एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल सी के बराबर है, एंड ये वाला छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। प्रूव्ड अबव फ्रॉम पॉइंट नंबर टू, और ये हो गया फ्रॉम पॉइंट नंबर वन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है, बाई ए ए सिमिलरिटी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो दोनों के एरिया का हम रेशियो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो, तो इक्वल टू डी ई स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम ई एफ स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या डी एफ स्क्वायर बाई सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया था, जो डी एफ है वो क्या है, हाफ ऑफ बी सी के बराबर, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में डी और एफ जो मिड पॉइंट था, तो डी एफ जो था वो पूरे बी सी के पैरेलल भी था, और डी एफ जो था वो पूरे बी सी के हाफ भी था। तो डी एफ के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज कर लेते हैं, इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, चाहे ठीक है। डी एफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सी बी स्क्वायर। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, डी एफ के बदले हाफ ऑफ बी सी, तो इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया वन बाई फोर बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ वन बाई फोर, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आ गया, वन बाई फोर, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी इक्वल टू वन बाई फोर, और हमें यही फाइंड करना था। तो हम नाम जो है पलट के, जो सी ए बी है हम उसको ए बी सी लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको सी ए बी को ए बी सी कर सकते हैं, इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है, यही फाइंड करना था। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, वन इज टू फोर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।